मेरा भाईंदर मानवता अधिकारी दीपक खांबित पर हमले के मामले में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलने से परेशान दो जूनियर इंजीनियर ने अपने ही सीनियर की दे डाली हत्या की सुपारी। एडवांस के तौर पर चुकाए 10 लाख। कुल 6 आरोपी की हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। 29 सितंबर को शाम 6 बजे के आसपास मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित पर बोरीवली पूर्व नेशनल पार्क के सामने ब्रिज के नीचे 2 लोगों ने बाइक से आकर गोलीबारी की थी और फरार हो गए थे, जिसमें खांबित बाल बाल बच गए। इस मामले में कस्तूरबा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। हमलावरों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पडवल ने 4 टीमें बनाई। साथ ही ठाणे क्राइम ब्रांच भी हमलावरों की तलाश कर रही थी। 3 आरोपी कस्तूरबा पुलिस की हत्या चढ़े तो 3 आरोपी को ठाणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसमें छोटा राजन का शूटर अमित सिन्हा भी शामिल है। सभी की गिरफ्तारी के बाद ये बात खुलकर सामने आई कि खांबित के ऑफिस में काम कर रहे 2 जूनियर इंजीनियर ने ही उनकी हत्या की सिफारिश दी थी। खबर के मुताबिक दीपक खांबित मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियंता है, जिनके मातहत 2 जूनियर इंजीनियर कृष्णा मोहिते और यशवंत राव देशमुख काम करते हैं। दीपक खांबित इन दोनों के प्रमोशन में रोड़ा बने बैठे थे, जिसके कारण इन दोनों की पदोन्नति नहीं हो रही थी। आखिरकार परेशान होकर इन दोनों ने खांबित को रास्ते से हटाने की सोच खांबित की सुपारी दे दी। सुपारी के एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपये भी इन जूनियर इंजीनियर ने शूटरों को दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों इंजीनियर ने RTI कार्यकर्ता राजू विश्वकर्मा से बात की। इस मामले में राजू विश्वकर्मा ने छोटा राजन के लिए काम कर रहे अमित सिन्हा और अजय सिन्हा को चुना। अजय के ऊपर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी पहले मामला दर्ज है। राजू ने ही दोनों को अपने ड्राइवर दीपक पाठक के साथ रखवाया। बता दें कि जब मीरा रोड की एक फायरिंग मामले में अमित सिन्हा ठाणे जेल में बंद थे, उसी समय राजू विश्वकर्मा भी हफ्ता वसूली के एक मामले में ठाणे जेल में बंद था। वहीं राजू और अमित में दोस्ती हुई थी। घटना के दिन अमित सिन्हा बाइक चला रहा था और अजय सिंह ने गोली चलाई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों इंजीनियर कृष्णा मोहिते और यशवंत राव के साथ ही अजय सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं ठाणे क्राइम ब्रांच ने छोटा राजन और DK राव के लिए काम कर चुके अमित सिन्हा, RTI कार्यकर्ता राजू विश्वकर्मा, उनके ड्राइवर दीपक पाठक को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। 29 सितंबर की है, जब दीपक खांबित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में, ये रास्ते से सफर करते हुए जब संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क के ब्रिज के नीचे में गुजर रहे थे, उस वक्त मोटरसाइकिल पे चढ़े हुए 2 लोग, जिसमें से एक अमित सिन्हा है और दूसरा अजय सिंह है, ये 2 लोग आए और इन्होंने फायर किया। 2 राउंड फायर हुए, हालांकि दोनों राउंड में से कोई राउंड खांबित को नहीं लगा, लेकिन कार की कांच फूटने के कारण वो जख्मी हुए। तो नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम, मुंबई की नॉर्थ रीजन की पुलिस और मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और वहां की लोकल पुलिस, इन सभी ने मिल के काम किया, अपने अपने सोर्सेस से काम किया और बाद में हम भदोही यूपी और गाजीपुर यूपी, यहां से ये अमित सिन्हा और अजय सिंह, इन 2 आरोपियों को हम लोग अरेस्ट कर सके। अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ करने पे हमें यह पता चला कि जो 2 जूनियर इंजीनियर थे, जिसमें मोहिते और देशमुख जो 2004 से जूनियर इंजीनियर पोजीशन में लगे हुए थे, उनको कोई प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट कोई नहीं दिखा, नहीं मिला, और उनकी पोस्टिंग भी जो है वो अच्छी नहीं रही, जिसका मुख्य कारण उनके हिसाब से दीपक खांबित थे। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी करके 20 लाख की सुपारी दी
जिसमें से 10 लाख का पेमेंट हुआ और इस सुपारी से ये दीपक खांबी को मार देना चाहते थे। तो ऐसी ये गुने की कॉन्स्पिरसी। अभी इसमें और बाकी भी कुछ कड़ियां जोड़ना बाकी है, वो डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें कोई और बड़े लोग कोई आ सकते हैं, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।